दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और 15 दिन के स्पेशल करंट अफेयर सीरीज में आज हम पहुंच गए हैं नौवें दिन पर। ठीक है, नौवें दिन दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरी सीरीज की, सभी सरकारी योजनाओं के बारे में। किस किस राज्य में कौन कौन सी नई योजना शुरू की गई है, उन सभी योजनाओं के बारे में, खास करके लास्ट 6 मंथ की योजनाओं को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह की सीरीज अगर आपको डेली मिलते रहे तो क्या मजा आ जाने वाला है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी यहां पर बहुत सारी योजनाओं के बारे में लिखा हुआ है, अंदर चल के बात करते हैं डिटेल से एक-एक योजनाओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस तरह के अच्छे वीडियो चाहिए तो सबसे पहले जरूरी है कि स्टडी 91 चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। एक पते की बात बता दें आपको, और मजे की बात भी है कि स्टडी 91 चैनल पर सभी विषय को डिटेल से और चैप्टर वाइज पढ़ाया गया, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। करा किस राज्य में शिव भोजन योजना शुरू की गई है। इस तरह की योजना बहुत सारे राज्यों में चलती रहती है, दिल्ली में देख लो, राजस्थान में देख लो, पहले से इस तरह की योजना चल रही है। क्या होता है इस योजना में दोस्तों? शिव भोजन योजना में मात्र 10 रुपए में एक थाली भरपेट खाना खिलाया जाएगा। काश ऐसा हो जाता हम लोगों के आसपास में तो कितना मजा आता, खुद मेरे यहां भी। ठीक है, तो याद रखिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है शिव भोजन योजना। किस सरकार के द्वारा? महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। अच्छा, जब महाराष्ट्र की बात आई गई है तो दो चीजें आप और याद रखिए। एक तो महाराष्ट्र ने अभी 26 जनवरी से स्कूल में जो हमारे संविधान का प्रस्तावना होता है उसको पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो प्रस्तावना का पाठ पढ़ना अनिवार्य कर दिया। और दूसरा है शिव भोजन योजना मात्र 10 रुपए में कराया जाएगा। ठीक है, आगे दे रहा, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह व्यवस्था शुरू किया गया है कि अगर कोई भी किसान दुर्घटना से ग्रसित होता है तो उसको 15 से 45 दिन के अंदर रिपोर्टिंग करनी होगी उसके घर वालों को, और तब जाके उसको जो है इस दुर्घटना का लाभ दिया जाएगा। इसमें जो उम्र रखा गया मैक्सिमम वो रखा गया 70 साल तक, 18 वर्ष से लेकर के 70 वर्ष तक के उम्र के व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 45 दिन के अंदर सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको अपनी तहसील में ले जाकर जमा करना होगा, तब आप जो है इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, करा वन नेशन वन कार्ड योजना, वन नेशन यानी पूरे देश के लिए एक कार्ड, ये कैसी योजना है? देखिए हर योजना के बारे में दो दो लाइन में बताते चलूंगा। दोस्तों आप राशन कार्ड के बारे में जानते होंगे ना, राशन कार्ड दिखाने पर ही आपको राशन मिलता है। जो बीपीएल कार्ड होल्डर होते हैं, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करते हैं, जिनके घर में पीला कार्ड होगा, जब आप लेके जाते हैं तो उस पर गेहूं चावल मिट्टी का तेल वगैरह आपको दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका परिवार कहीं बाहर शिफ्ट हो गया तो ऐसे में उस राशन कार्ड का लाभ आप नहीं उठा पाते हैं। तो सरकार एक नई व्यवस्था लेकर आ रहा है, वन नेशन वन कार्ड यानी पूरे देश के लिए एक कार्ड। आप एक ही राशन कार्ड में भारत के किसी भी कोने से आप अपना राशन रिसीव कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही जगह से, ऐसा नहीं कि दो जगह से रिसीव कर लिया। तो इसलिए व्यवस्था आ रही है 1 जून 2020 से इस व्यवस्था को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। अभी भी यह लागू है लेकिन अभी केवल 12 राज्यों में यह व्यवस्था चल रही थी। ठीक है, तो याद रखिए अब 1 जून से यह पूरे देश में लागू व्यवस्था कर दी जाएगी। करा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में गोवा में यशस्विनी नामक एक योजना लॉन्च किया है। यशस्विनी योजना किससे संबंधित है? तो याद रखिए महिला स्वयं सहायता समूहों को सहायता प्रदान करना, ठीक है, उससे संबंधित है यशस्विनी योजना। स्मृति ईरानी जो है इस समय कैबिनेट में मंत्री हमारे, तो याद रखिए उनके द्वारा गोवा में यह योजना जारी की गई है। ठीक है, और इसके तहत एक चीज और कहा गया, जो आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं, ठीक है, पहले तो उन्हें पैसा भी कम मिलता था 1000, अब उनका इनकम भी बढ़ के 2000 हो गया है, तो उनको सहायता राशि दिया जाएगा। करा भारत सरकार ईंधन संरक्षण के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? भारत सरकार ने ईंधन को बचाने के लिए, ईंधन को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए एक नया अभियान स्टार्ट किया, जिसका नाम है सक्षम। क्या नाम है? सक्षम अभियान का नाम है। यह ईंधन के बचाने को लेकर के अभियान शुरू किया गया। ठीक है, तो याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए जल जीवन हरियाली मिशन यह किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? जल जीवन हरियाली, तो यह अभियान जो है या यह मिशन जो है यह बिहार सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है, जल जीवन हरियाली मिशन। तो याद रहेगा ना, बिहार सरकार द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेगा। निर्धन लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने आरोग्य श्री योजना स्टार्ट किया है? देखिए जो निर्धन है, जो गरीब है, ठीक है, जिनको चिकित्सा का लाभ नहीं मिल पाता, हालांकि केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और राज्य सरकार के लिए भी कई सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं और वो खुद भी बना रहे हैं, लेकिन
इसी क्रम में निर्धन के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए आंध्र प्रदेश ने एक अलग से कदम उठाया है, आरोग्य श्री योजना बनाया है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश याद रखेगा, आंध्र प्रदेश ने अभी हाल फिलहाल में 2-3 और काम किए, जैसे आंध्र प्रदेश में अब 3 राजधानियां बनने जा रही है, आंध्र प्रदेश में 21 दिन का स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, जो स्पेशली जब किसी का रेप वगैरह हो जाता है तो उस कंडीशन में तत्काल सुनवाई के लिए आप वहां पे व्यवस्था किया जा रहा है, उसके लिए बिल भी पारित किया जा चुका है। तो ये सब नए प्रश्न याद रखेगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मिशन इंद्रधनुष 2.0 बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इस अभियान को 26 जनवरी से 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में जारी किया लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों बस यहीं से थोड़ा सा डाउट हो गया, अभी सभी राज्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों को टारगेट नहीं किया गया, केवल 29 राज्यों तक ही यह व्यवस्था सीमित है, केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो पहला वाला कथन तो सही है कि मिशन इंद्रधनुष 2.0 यह टीकाकरण से संबंधित योजना है और इसमें कई सारे लोगों को रोगों को स्थान दिया गया है और कई सारे लोगों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था दी गई है। ठीक है, जैसे जैसे डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया, टिटनस, पोलियो, खसरा, तपेदिक, टीबी। अच्छा, कुछ लोग यार पता क्या करते हैं, जब मैं हटता हूं ना स्क्रीनशॉट लेने लगते हैं। स्क्रीनशॉट क्यों ले रहे हैं, पीडीएफ चाहिए इसका ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पीडीएफ डाउनलोड करो भाई। क्यों स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, पीडीएफ डाउनलोड करिए, आराम से पढ़िए। देखिए, पढ़ाई करना जरूरी है, मैंने तो पीडीएफ दे दिया, टेस्ट दे दिया, एग्जाम करा दिया, वीडियो दे दिया, और आपको क्या दे दिया जाए, बताइए कि सर हमको यही चाहिए, आप ये दे दो तो हम करंट अफेयर याद कर लेंगे, बताइए जो चाहिए। तो अपने तरफ से मैक्सिमम कोशिश हम लोग कर रहे हैं, आप लोग ध्यान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 जनवरी 2020 को उजाला और एसएलएनपी दोस्तों विश्व की सबसे बहुत बड़ी परियोजना है। ठीक है, बताऊंगा अभी किसके बारे में है, और ये पूछ रहा है कि इस योजना ने अपने 5 वर्ष पूरी कर दिए हैं। कह रहा है एसएलएनपी योजना कृषि से संबंधित है, बस यही लाइन गलत कर दिया, ये स्ट्रीट लाइटिंग को चेंज करने से संबंधित योजना है, क्योंकि आपको पता होगा स्ट्रीट लाइट में खास करके बड़े वाट के बल्ब लगाए गए हुए हैं और उनके स्थान पर अब एलईडी लाइटों को लगाया जा रहा है, तो ये स्ट्रीट लाइटों को चेंज करने की दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। तो याद रखिए एसएलएनपी योजना ये कृषि से संबंधित नहीं है, ये स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम है और इसमें स्ट्रीट लाइट को चेंज करने के लिए पूरी प्लानिंग दी गई। तो पहला वाला कथन सही लेकिन दूसरा गलत हो गया। अटल भूजल योजना को कब लॉन्च किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है और उनका जन्मदिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। तो इस योजना को भी कब लॉन्च किया गया, 25 दिसंबर को। सुशासन दिवस मनाया जाता है दोस्तों उनके जन्मदिवस के अवसर पर, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। आगे कह रहा है असम सरकार ने हाल ही में अभिनंदन योजना लॉन्च की, वीकली करंट अफेयर में आपको आया हूं मैं स्वयं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए अभिनंदन योजना जो है ये किस सरकार ने लॉन्च किया है, असम सरकार ने, किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा में दोस्तों अगर किसी को लोन वगैरह चाहिए होता है तो 50,000 रुपए तक का लोन या सब्सिडी यहाँ गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी, तो ये काफी अच्छा है, शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, असम सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना की अवधि को 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, तो बहुत सारी योजनाएं चलती रहती हैं, जब समय पर वो पूरा नहीं हो पाती तो सरकार उसमें जो है टाइम या उसकी अवधि बढ़ा दिया जाता है। तो उसी सिक्वेंस में एक योजना है अमृत योजना, कौन सी है, अमृत योजना, उसका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो अमृत योजना याद रखेगा, अमृत योजना जो है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका पूरा नाम है, इसको याद रखिएगा, 2015 में यह योजना आई हुई थी। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने कालिया योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि को 10,000 रुपए से घटाकर कितना कर दिया है, क्योंकि जो कालिया योजना था दोस्तों ये किसानों को दिया जाने वाला योजना था। अब आपको लगेगा कि उड़ीसा सरकार ने तो बड़ा गलत किया इसको घटाकर, दोस्तों गलत नहीं किया, एक्चुअली में इस योजना को कालिया योजना को मर्ज कर दिया है ले जाकर के किसान सम्मान निधि योजना से। तो उस योजना में 4,000 रुपए किसानों को दिया जाएगा, तो वो उसी योजना में आ गया है, तो 4,000 ही अब मिलेगा, ये 10,000 वाला कांसेप्ट यहां से समाप्त हो गया, तो 10,000 से घटकर आप 4,000 बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये मामला था। दोस्तों इस तरह के अच्छे वीडियो चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, आपके हित के लिए बता रहा हूं, बाकी आप स्वयं समझदार हैं। प्रधानमंत्री वन धन, गलत नहीं लिखा, जनधन मत याद करिए, जनधन अलग व्यवस्था है, ये वन धन योजना की बात कर रहा है। कह रहा है प्रधानमंत्री वन धन योजना 24 राज्यों में कितने वनधन केंद्रों का विकास करने जा रही है, तो ये जो है 799, लगभग 800 केंद्रों का विकास करने जा रही है, 800 मत बोलिए, 799, तो एग्जैक्ट आप याद रखिएगा 799
वंदन कार्यक्रम बढ़ाने जा रही थी। मतलब यह करके ये वंदन योजना के तहत किया क्या जाएगा दोस्तों, तो पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, यही सब कार्य होगा वन धन योजना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 16 दिसंबर से पूरे शहर में फ्री वाईफाई देने की घोषणा किया है? तो आपको पता होगा फ्री वाईफाई, फ्री में बस का सफर महिलाओं के लिए, खास करके हमारी बहनों के लिए, यह दिल्ली सरकार की योजना है, अरविंद केजरीवाल द्वारा लाई गई थी, तो याद रखे। बाकी मोहल्ला क्लिनिक वगैरह हो गया, ये भी उन्हीं के द्वारा लाई गई है। तो ठीक है, दिल्ली सरकार द्वारा यह व्यवस्था लाई गई है, लेकिन प्रति यूजर को दोस्तों यहां पर लिमिटेशन भी है, 15 GB फ्री मंथली डेटा दिया जाएगा। एक महीने में जो है एक यूजर केवल 15 GB डेटा ही इस्तेमाल कर सकता है, ये इसके लिए कंडीशन है, और 50 मीटर का रेंज भी रहेगा, तब वो जाकर कोई इससे कनेक्ट हो पाएगा। ठीक है, कुल 11,000 हॉटस्पॉट लगने वाले हैं दिल्ली में। हाल ही में मिशन है जिसका नाम है निष्ठा, ये भारत के किस राज्य में शुरू हुआ? निष्ठा मिशन दोस्तों ये भारत के किस राज्य में शुरू हुआ? तो याद रखिए ये शुरू हुआ है कहां पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, निष्ठा में याद रखिए फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा कि जो वहां के टीचर हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, स्पेशल ट्रेनिंग कैंप बनाया जा रहा है। तो निष्ठा योजना ये जम्मू कश्मीर से संबंधित योजना है, वहां के शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए। केंद्र सरकार ने छात्राओं को स्टेम शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु किस योजना को प्रारंभ किया? स्टेम शिक्षा के अंतर्गत दोस्तों याद रखिए यहां पर ज्ञान ज्योति, एक मिनट, विज्ञान ज्योति योजना सरकार द्वारा शुरू किया गया, और सबसे अच्छी चीज है कि इसमें 9 से लेकर 12 तक के जो छात्राएं होंगी उनको शामिल किया जाएगा, और इस योजना के अंतर्गत छात्राओं के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय प्रयोगशाला, जो हमारे लेबोरेटरी लैब वगैरह है, उनमें विज्ञान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां पर हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा बच्चों को। ठीक है, इससे क्या होगा, उनके अंदर एक इनोवेशन का विचार आ पाएगा। आशा कर्मियों को दिया जाने वाला 1,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो दुगुना कर दिया गया है, 1,000 और बढ़ा दिया गया, कुल मिलाकर अब उनको मानदेय जो मिलेगा आशा कर्मियों को, वो 2,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना के तहत किस राज्य ने 9 वधुओं के ससुराल में शौचालय होने पर 51,000 रुपए राशि देने की घोषणा किया है? लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो दूल्हा होगा उसको टॉयलेट के सामने एक सेल्फी लेना पड़ेगा, ठीक है, और तभी ये उसको व्यवस्था का लाभ मिल पाएगा। तो ये व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया? ये शुरू किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा, कमलनाथ की सरकार है, वहां पर ये व्यवस्था शुरू किया गया। एम हरियाली को कहां पर लॉन्च किया गया? एम हरियाली दोस्तों ये नया है, और ये याद रखिए एक पोर्टल है दिल्ली का, उस पर आप अपने जो है द्वारा अपने घर के सामने या अपार्टमेंट के सामने अगर वहां पर बगीचा आपने बना रखा है, पेड़ पौधे लगा रखे हैं छोटे मोटे, तो आप उसका पिक अपलोड कर सकते हैं, जिसमें डायरेक्ट ऐप के माध्यम से ही जियो टैगिंग हो जाती है उस पौधे की। ठीक है, और ये दिल्ली सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो नई दिल्ली इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, करें, हाल ही में केंद्र सरकार ने 100% सुरक्षित प्रसव के लिए किस योजना को शुरू किया है? 100% सुरक्षित प्रसव हो, इसी के लिए योजना आई है, सुमन योजना। कौन सी आई है? सुमन, सुरक्षित मातृत्व। ठीक है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना इसका पूरा नाम है, तो याद रखे सुमन योजना आई है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि प्रसव से पहले और प्रसव के बाद एम्बुलेंस की फ्री सेवाएं भी दी जाएंगी, 4 फ्री टेस्ट चेकअप भी दिया जाएगा महिला को जो गर्भ धारण की हुई है। हाल ही में घायलों के इलाज के लिए दिल्ली सरकार ने कौन सी योजना स्टार्ट किया था? तो अगर किसी व्यक्ति का रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने दिल्ली फरिश्ते दिल्ली के, ठीक है, ये एक नई योजना आई थी, तो याद रखिए फरिश्ते दिल्ली की यह योजना लॉन्च किया था, और इसके अंतर्गत व्यक्ति किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज करा सकता है, वहां कोई चार्ज नहीं लगेगा, सारा पैसा सरकार देगी, बदले में पहुंचाने वाले को 2,000 रुपए तक का इनाम धनराशि भी देने की घोषणा हुई थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। करा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वाले के तहत केंद्र सरकार ने कितने घरों के निर्माण को मंजूरी दिया है? तो लगभग 1,23,000 घरों के निर्माण को मंजूरी दिया है, और इसमें बाजी मारा है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, सबसे तेजी से घर निर्माण करने में नंबर वन पर कौन है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश ने, पहले था उसको पीछे छोड़ के उत्तर प्रदेश आगे निकल गया है। हाल ही में किसके द्वारा नमस्कार योजना का शुभारंभ किया गया? नमस्कार योजना दोस्तों यह योजना लाई गई एयर इंडिया के द्वारा, और आपको एयर इंडिया के बारे में भी पता होगा कि वहां पर प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ दिया है इसके पूर्व एयर इंडिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक को 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती के दिन से ही क्या कर दिया है, पूरी तरह से बैन कर दिया। सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब ऐसा प्लास्टिक जो नष्ट नहीं होता है उसको सिंगल यूज प्लास्टिक कहा जाता है, मतलब जिसका रिसाइकल नहीं हो सकता, जो रिसाइकल नहीं होगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ कहां से किया गया? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका शुभारंभ किया गया मथुरा से। कहां से हुआ है? मथुरा से। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ कहां से? मथुरा से हुआ है, इसको याद रखेगा। ठीक है,
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कृषि आशीर्वाद योजना स्टार्ट किया, जल्दी से बता दीजिए। कृषि आशीर्वाद योजना दोस्तों ये झारखंड सरकार ने स्टार्ट किया है। कृषि आशीर्वाद योजना किसानों के लिए योजना है, कृषि आशीर्वाद योजना, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें याद रखिए उसको जो है 5,000 रुपए की धनराशि भी दी जाएगी, याद रखिए, जिसके पास 5 हेक्टेयर से कम का खेत होगा उसके लिए व्यवस्था है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने भामाशाह स्वास्थ्य योजना को केंद्र सरकार की किस योजना में मिला दिया। भामाशाह स्वास्थ्य योजना तो था दोस्तों ये चिकित्सा से संबंधित था, और भारत सरकार की वैसे भी बहुत बड़ी योजना चल रही है आयुष्मान भारत योजना, तो ये व्यवस्था लाकर उस आयुष्मान भारत योजना में लाकर मर्ज कर दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा, इस योजना को मोदी केयर योजना भी कहा जाता है। हाल ही में सरकार ने कितने आयुष केंद्रों को स्थापित करने का लक्ष्य स्थापित किया है, तो 12,500 कितना 12,500 आयुष केंद्र स्थापित किए जाएंगे, याद रखें। इस आयुष केंद्रों पर क्या होगा दोस्तों, दवाई जो थी मतलब मेडिकल से संबंधित सब कुछ यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने किया था, तो याद रखिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत किया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जब आया था तो भी मैंने इस चीज पर आपको बताया था, अगस्त में आया था, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसने सैन्य वयोवृद्ध रोजगार कार्यक्रम लॉन्च किया है, ये काफी अच्छा प्रोग्राम है। अमेज़न इंडिया जो है दोस्तों ये सैन्य वयोवृद्ध कार्यक्रम स्टार्ट कर रहा है। क्या है ये कार्यक्रम दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये है कि सेना के जो अधिकारी हैं अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो फिर उनके पास कोई काम नहीं रहता है, तो ऐसे में उन अधिकारियों और उनकी पत्नियों को जो है अमेज़न इंडिया की तरफ से काम दिया जाएगा, ठीक है, और वह कार्य करके एक नौकरी की तरह से अपना जीवन यापन और आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब एक होता ना बिजी होना, तो उसके लिए कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये अमेज़न इंडिया की तरफ से एक नया प्रोग्राम आ रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस स्थान पर प्रोजेक्ट श्योर बोल सकते हो, ऐसे अलग है सस्टेनेबल अलग नाम उसका, तो श्योर लिखा हुआ बट बीच में डॉट है, उसको लॉन्च किया। तो याद रखें दोस्तों ये योजना लॉन्च की गई कहां से, मुंबई से, और श्योर का मतलब याद रखें सस्टेनेबल रिजोल्यूशन बोलते हैं, ये होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मानव संपदा मंत्रालय की स्थापना करने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा होगा, मानव संपदा मंत्रालय तो यह स्थापित करने वाला याद रखें हरियाणा जो है यह पहला राज्य गया है, दुनिया का पहला राज्य है जो इस तरह के कार्य को स्थापित कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। देखिए करंट अफेयर में ज्यादा कुछ है नहीं, हम लोग क्या करते हैं ना लास्ट के 3 से 6 महीने में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं उनको साथ में लेके चलते हैं। आगे बार जब हम अगले महीने में फिर से पढ़ाएंगे ना तो आपको लगेगा यार कि अब कुछ बचा ही नहीं है, क्यों, क्योंकि स्टडी 91 चैनल पर डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, लाइक जैसे जो आज पढ़ रहे हो आप अवार्ड के बारे में, रैंकिंग इंडेक्स के बारे में, ठीक है, डिफेंस के बारे में, साइंस रिलेटेड न्यूज, टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज, ठीक है, अपॉइंटमेंट हो गया, इस तरह के नेशनल इंटरनेशनल बिल्स एंड एक्ट, बहुत सारे इस तरह से टॉपिक वाइज करंट अफेयर, और उसके अलावा स्टेट वाइज करंट अफेयर, और साथ ही साथ प्रीलिम्स फैक्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सब कुछ आपको 3 चीजों में बटा होता है, सभी का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ऑल टू ऑल पीडीएफ मिल जाएगा, और सभी का आप टेस्ट भी दे सकते हैं, यानी एग्जाम भी दे लीजिए, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको हमारी इस करंट अफेयर सीरीज में प्रोवाइड की जाती है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा जरूरत आपको करंट अफेयर में होने वाली है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।